हेलो दोस्तों, सुशील टेक में आपका स्वागत है। और जैसे कि आप ये बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि गूगल प्ले स्टोर विंडो के अंदर चल रहा है और ये बिल्कुल पॉसिबल है विंडो 11 में भी और विंडो 10 में भी। आप दोनों में गूगल प्ले स्टोर चला सकते हैं और वो कैसे चलाएंगे इस वीडियो के साथ बने रहे, मैं आपको पूरा बताऊँगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहले आपको टास्क मैनेजर में जाके सीपीयू के अंदर आपने देखना है वर्चुअलाइजेशन जो है वो इनेबल होनी चाहिए। जैसे कि इसके अंदर देखना है वर्चुअलाइजेशन इनेबल्ड है, ठीक है। अगर ये इनेबल्ड नहीं है तो उसके लिए आपको पहले कुछ टूल इंस्टॉल करने पड़ेंगे इसके फीचर्स के अंदर। वो आपको कैसे करना है वो बताता हूँ। आप कंट्रोल पैनल के अंदर जाएंगे, कंट्रोल पैनल को क्लिक करेंगे, आप उसके अंदर प्रोग्राम एंड फीचर्स को सिलेक्ट करेंगे। प्रोग्राम एंड फीचर्स को सिलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड में टर्न विंडो फीचर ऑन और ऑफ पर क्लिक करेंगे। विंडोज़ फीचर ओपन होने के बाद और आप यहां पर देखेंगे ये दो ऑप्शन है, वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म और विंडो हाइपरवाइजर प्लेटफॉर्म। ये दोनों चेक होने चाहिए। अगर चेक नहीं है तो इसको चेक करके इंस्टॉल कर लें। और उसके बाद एक और प्रोग्राम है विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनक्स। वैसे तो ये एंड्रॉयड भी का भी चाहिए, वो मैं आगे बताऊँगा, मगर एक ये भी चेक होना चाहिए। इन सबको आप अगर आप चेक नहीं है तो जैसे अभी मैं दिखाता हूँ ये अनचेक है, जैसे ये अनचेक किया मैंने, इसको ऐसे चेक करके ओके करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा और रीस्टार्ट होकर ये आपका चालू हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, ये होनी चाहिए आपके सिस्टम में। उसके बाद आगे शुरू करते हैं। अब हमें विंडो पावर शेल को एडमिनिस्ट्रेटर मोड में ओपन करना है। इसके लिए सर्च में टाइप करेंगे पावर शेल और जब ये पावर शेल की आइकॉन दिखेगा तो इसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन कर देंगे। और अब हमें इसके अंदर एक कमांड डालनी है जो मैं अभी कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा। ये पावर शेल टूल बॉक्स को इनेबल करने के लिए, ये आपका टूल बॉक्स इनेबल हो गया। अब इसके अंदर सबसे पहले आप करेंगे, सबसे पहला जो ऑप्शन है बूस्ट, इसको क्लिक करेंगे। ये आपकी सिस्टम रिस्टोर जनरेट कर देगा जैसे कि इसमें कर रहा है। और सिस्टम रिस्टोर इसलिए कि कभी कुछ गलती हो जाए तो आप वापस बैक करके अपना सिस्टम रिस्टोर करके पुरानी पोजीशन में आ जाएँ। इस पावर टूल बॉक्स के अंदर आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, विंडो एक्टिवेट कर सकते हैं, टेम्प्रेरी फाइल क्लीन कर सकते हैं, बहुत सारे काम हैं। मगर हम इसमें प्ले स्टोर इंस्टॉल करना है। तो ये प्ले इंस्टॉल करने की ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब ये यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है कि हमें प्रोसीड करना है या नहीं करना है। हम इसमें पी करके इसको प्रोसीड कर देंगे और आगे बढ़ देंगे। इसको आगे बढ़ने के बाद हमें जो मैंने शुरू में बताया था कि सब सिस्टम फॉर एंड्रॉयड वो भी हमें इंस्टॉल करना है, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए मैंने इसके अंदर कमांड डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप इसको जैसे मैंने यहाँ पे दिए इसको कॉपी कर लेना और यहाँ पे पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद ये आपकी मीडिया फायर की ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। एक दो सेकेंड के अंदर ये लिंक अप कर देती है। इसको अप करने के बाद आप इसको कुछ 500 MB के आसपास की फाइल है, इसको डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करने के बाद इस पर इस वेबसाइट पे कुछ ऐड आती हैं, उसको इग्नोर कर दें, मिनिमाइज कर दें। तो अब ये देखो ये फ़ाइल डाउनलोड हो रही है। जब ये फ़ाइल पूरी डाउनलोड हो जाएगी तो इसको हमें ये इंस्टॉल करनी है। अब मैं तो वैसे तो इसकी लोकेशन देनी है मगर मैं सेफ साइट के लिए क्या कर रहा हूँ, बहुत लंबा नाम है तो इसको रीनेम करके इसका नाम छोटा कर रहा हूँ ताकि मैं रन बॉक्स के अंदर टाइप कर सकूँ आराम से। तो मैंने इसका बड़ा छोटा सा नाम रख दिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। कंटिन्यू करके यस कर दिया है, बस यहाँ पर इसका काम ख़त्म। मिनिमाइज कर देता हूँ मैं इसको और अब ये अपने रन बॉक्स के अंदर पावर सेल के रन बॉक्स में लोकेशन जो ये मांग रहा है वहाँ पर ये लोकेशन दे देता हूँ, जिससे विंडोज़ सब सिस्टम फॉर एंड्रॉयड इंस्टॉल हो जाएगा। ये लोकेशन देकर आप एंटर करेंगे, अब ये इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। थोड़ा सा टाइम लगाता है और आपका विंडोज़ सब सिस्टम फॉर एंड्रॉयड इंस्टॉल हो जाएगा। ये वर्चुअल बॉक्स के लिए होता है और यही सेम काम आप विंडो 10 में भी कर सकते हैं। जो काम ये विंडो 11 में हो रहा है वो विंडो 10 में भी हो जाएगा। विंडो 10 में भी आप प्ले स्टोर इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब कि दोनों में सेम प्रोसेस है। तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं। और प्ले स्टोर में आप एंड्रॉयड प्ले स्टोर में क्या क्या कर सकते हो वो तो आपको पता ही है। तो अब थोड़ा सा अब आप देख रहे हैं ये इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। अब आप देख रहे हैं इसका सेटिंग ओपन हो गई है और एंड्रॉयड बॉक्स की इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है।
इसको एक्सेप्ट कर देंगे, ऑल परमिशन करके यस कर देंगे, ओके कर देंगे। और ये ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, बहुत ही कम टाइम में ये इंस्टॉल हो जाता है। ये इंस्टॉल होते ही आपका डेवलपर ऑप्शन जो होता है, जैसे कि मोबाइल में होता है वैसा डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है मगर बहुत ही टेक्निकल प्रोसेस है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो को स्किप करके मिस करोगे तो आप इसको भी मिस कर जाओगे, कैसे इंस्टॉल होगा पता नहीं चलेगा, फिर बार बार आपको स्किप करना पड़ेगा, पीछे करना पड़ेगा। तो वो आप देख रहे हैं ये डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो गया है। इसके अंदर आप अपनी कोई भी सेटिंग जैसे मोबाइल में करते हैं वैसे आप सेटिंग करते हैं, रूट करने के लिए, अनरूट करने के लिए, इस तरीके से करते हैं। अभी मैं कैंसिल करके बैक कर देता हूँ। अब मेरी तरफ से ये प्ले स्टोर इसमें इंस्टॉल हो चुका है। अब चेक करने के लिए इसको मैं बंद करके, अब मैं ये सारा मैं मिनिमाइज या बंद कर देता हूँ। अब मैं प्ले स्टोर ये रन के अंदर प्ले स्टोर की कमांड डालकर अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो प्ले स्टोर का ऑप्शन आ भी गया है ये प्ले स्टोर। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब ये क्लिक करने का देखो गूगल प्ले ओपन हो गया है और साइन इन का ऑप्शन आ गया है। अब आप इसमें अपनी ईमेल आईडी डाल के साइन इन करेंगे, जैसे आप मोबाइल में करते हैं बस वैसे इसको साइन इन करके लॉगिन कर देंगे। जैसे कि ये विंडो आ गई है, इसमें मैं अपना अभी ईमेल एड्रेस डालता हूँ SU, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो डाल दें। अब मैं इसमें डालना शुरू करता हूँ, टाइप योर गूगल ईमेल हियर एंड नेक्स्ट। तो यहाँ पर आप ईमेल डाल दें अपना, ये मैंने डाल दिया और ये नेक्स्ट किया है। अब अगली विंडो के अंदर आप देख रहे हैं पासवर्ड का ऑप्शन आ गया। अब आप यहाँ पे पासवर्ड डाल दें, जो भी आपका ईमेल का पासवर्ड है। पासवर्ड डाल के मैंने नेक्स्ट किया है, ये नेक्स्ट किया है। ओह तो आप देख रहे हैं मेरी टू स्टेप वेरिफिकेशन है। तो ये मेरे मोबाइल में कोड आएगा, मोबाइल में कोड आने का मैं डालूँगा। ये मैं मोबाइल के अंदर मैं ढूंढ के अभी कोड डालता हूँ, यस आई मीन कर देंगे, या जो भी कोड होगा जैसे भी उसकी ऑथेंटिकेशन होगी वैसे कर देंगे। तो मेरा यूट्यूब चैनल है इसलिए मैंने उसको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कंपलसरी इसलिए किया हुआ है। बस आपको मोबाइल के अंदर यस आई मीन या कोड डाल के वेरीफाई करना है, बस ये इतना काम है। ये मैंने कर दिया है, ये हो गया है, एग्री कर देना है। अब आप देख रहे हैं गूगल सर्विस इंस्टॉल हो गई है और ये गूगल प्ले स्टोर आ गया। देखो कैरम पूल, न्यू मास्क, ये सारी गेम है। अब आप बड़े आराम से गूगल प्ले स्टोर को विंडो 11 के अंदर यूज़ कर सकते हैं, किसी भी वर्जन के अंदर, वर्जन की भी कोई लिमिट नहीं है। विंडो 10 में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं एक गेम डालता हूँ जो मेरी फेवरेट गेम है, नीड फॉर स्पीड। तो देखो नीड फॉर स्पीड जैसे अब तो बहुत सारी गेमें आ गई हैं, आप कोई भी गेम इंस्टॉल करेंगे और चला देंगे। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्यूटोरियल था विंडो 11 या विंडो 10 में एंड्रॉयड ऐप को चलाने के लिए, प्ले स्टोर को इंस्टॉल करने का। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।